सरकार से पूछ रही है भाई, 5 साल आपने सरकारी स्कूलों में क्या किया? आपने सरकारी स्कूल ठीक क्यों नहीं कराए? आपने सरकारी स्कूलों की क्वालिटी ठीक क्यों नहीं कराई? वैसे में पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रही है मोदी जी की रिपोर्ट। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे बढ़िया है। कैप्टन साहब ने सरकारी स्कूलों में जो काम किया है वो नंबर 1 है देश में। अब खबर तो ये भी आ रही है कि थोड़े दिन बाद मोदी जी एक रिपोर्ट जारी करेंगे जिसमें कहेंगे कि पंजाब में कैप्टन साहब के सारे सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया हैं। ये जुगलबंदी है मोदी जी की और कैप्टन साहब की पूरी तरह से। जो पंजाब के सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से बदहाल हैं, वहां पे ना पढ़ाई हो रही है, ना वहां फैसिलिटीज हैं, ना कोई काम हुआ है, उसको छिपाने के लिए कैप्टन साहब की पिछले 5 साल की शिक्षा के क्षेत्र में नाकामी को छिपाने के लिए मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की है कि कैप्टन साहब के स्कूल बहुत शानदार है। अगर आपको पंजाब के सरकारी स्कूलों की हालत देखनी है तो पंजाब की जनता से पूछो ना, उन पेरेंट्स से पूछो जो अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हैं क्योंकि सरकारी स्कूल पूरी तरह से बदहाल हैं। उन पेरेंट्स से पूछो जिनके बच्चे तमाम मजबूरी के बावजूद भी आज मजबूर हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए। उनसे पूछो कि पंजाब के सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं। उनसे पूछो जहां उन पेरेंट्स से पूछो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के, जिनके बच्चों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती बल्कि शराब की फैक्ट्री पाई गई है। और मैं ये हवा में बात नहीं कह रहा, आप 2 दिन पहले की खबर देख लीजिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री, शराब बनती हुई पकड़ी गई है। और मोदी जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के स्कूल देश में नंबर 1 है। पंजाब सरकार ने सैकड़ों सरकारी स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए। पंजाब सरकार कहती है कि हमसे सरकारी स्कूल नहीं चल रहे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया और प्राइवेट सेक्टर को सरकारी स्कूल चलाने के लिए दे दिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल, कैप्टन साहब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। कैप्टन साहब ने 800 सरकारी स्कूल बंद किए पिछले 2-3 साल में। 800, पंजाब के 800 सरकारी स्कूलों को कैप्टन साहब बंद कराते हैं और जो चल रहे हैं उनमें से कितनों कोई प्राइवेट सेक्टर को दे देते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पंजाब के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 है। तो ये तो पर्दाफाश कर रहा है कि किस तरह से पर्दे के पीछे मोदी जी पूरी तरह से कैप्टन साहब को आशीर्वाद दे के चल रहे हैं और देश की एजुकेशन के साथ मजाक करने वाले, सरकारी स्कूलों के साथ मजाक करने वाली पंजाब की सरकार, कैप्टन साहब सरकार को पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं और उसको देश में नंबर 1 बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग मोदी जी की उस रिपोर्ट को देख रहे हैं वो उसके सच को भी समझेंगे। मोदी जी ने रिपोर्ट जारी की, पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी करने शुरू कर दिए कि भाई देखो मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकारी स्कूल नंबर 1 है। कैप्टन साहब बताना चाहिए उनको कि 800 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं मोदी जी, फिर भी मोदी जी नंबर 1 बता रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों को सौंप दिया है, सरकारी स्कूलों में शराब की फैक्ट्री पकड़ी जा रही है, फिर भी पंजाब के स्कूल नंबर 1 है। तो ऐसा आशीर्वाद मोदी जी दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में काम के नाम पे, ये सबके सामने है। मुझे आज इसी के सामने इसी के बारे में बात रखनी थी। थैंक यू। आपने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुना जिन्होंने कहा कि पंजाब में जो सरकारी स्कूल हैं 800 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया गया है या फिर प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है और केंद्र सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी पंजाब के सरकारी स्कूलों को नंबर 1 बता रहे हैं और मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा और अब पंजाब से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब में अकाली दल और बसपा का गठबंधन होगा। पंजाब से बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होने हैं और पंजाब में अकाली दल और बसपा का गठबंधन होगा। पंजाब में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। 25 साल बाद दोबारा अकाली दल से गठबंधन होगा, बसपा ने इस बात को कहा है। बसपा और अकाली दल की विचारधारा एक है। बीएसपी की तरफ से कहा गया कि पंजाब में ये एक ऐतिहासिक गठबंधन होगा। अकाली दल और बसपा लोगों की लड़ाई लड़ती है। पंजाब में भी आपको बता दें कि 2022 में चुनाव होने हैं और पंजाब में अकाली दल और बसपा का गठबंधन होगा।
पंजाब में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बसपा। आपको बता दें कि